हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को घातांकों के नियम पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे, जो कि आपके एक्सरसाइज या बुक में दिया होगा कि सरल कीजिए ऐसे प्रश्नों को। तो प्रश्न आप ध्यान से समझते हुए चलिए, आपको आसानी से जरूर समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न है, देखिए 3^7 इंटू 3^3 क्या है? 8 है। अगर ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दें तो सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर गुणा है तो घातांकों के गुणे में क्या होता है? देखिए आधार क्या है? 3 है और इसका पावर क्या है? 7 है, यानी घात। यहाँ का भी आधार 3 है, इसका घात क्या है? 8 है। तो जब आधार क्या होता है? समान होता है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 3^8 और 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 3^15 यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अगर प्रश्न आए तो आप इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए अगर आपको वही चीज़ भिन्न के रूप में दिखाई दें, जैसे 2/3 यहाँ पर है और 2/3 यहाँ पर भी है, आधार क्या है? समान है, ये बीच में गुणे का चिन्ह होगा यहाँ पर। अब देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है? 3 है। तो आधार आपका समान है, यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है, तो आप क्या लिखेंगे? 2/3 लिख दीजिएगा। गुणा करने पर क्या? घातें जुड़ जाती हैं। 3 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 2/3^5 यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। आपने इस दो टाइप के प्रश्न सीख लिए। अगर इस टाइप से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपका अगला टाइप का प्रश्न कैसे बनता है। ये जो आधार अभी आपका समान था, अगर असमान हो जाए तब आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये जैसे आपका तीसरा और चौथा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 5^5 है इंटू 8^5 है, आधार आपका देखिए असमान है, यानी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो असमान है, और घात जो है आपका अब समान हो गया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 है। तो जब इस टाइप के आपका कंडीशन पैदा हो जाए, जब आपका आधार असमान रहे और घातें क्या हो जाएं? समान हो जाएं, तो आप इसे लिखिएगा 5 × 8^5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 × 8^5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 5 × 8 में करेंगे, 8 × 5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40^5 यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न सदैव आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए आपको भिन्न में रहे तो आप उस कैसे सॉल्व करेंगे? 5/7^3 है और यहाँ पर 3/4 है, तो आधार आपका असमान है, यहाँ पर 5/7 है, यहाँ पर 3/4 है, लेकिन आपका घातें क्या है? समान है, तो इन्हें आप कैसे लिखेंगे? 5/7 है तो 5/7 लिखेंगे, इंटू लिखेंगे, 3/4 है तो 3/4 लिख लेंगे। अब इनका पावर क्या लिख देंगे? 3 कर देंगे। अगर आप आपस में गुणा करके इन्हें सॉल्व करेंगे तो और अच्छी बात होगी। यहाँ पर देखिए 5 का गुणा हम 3 में करेंगे, कोई चीज़ कटने वाला नहीं है, नहीं तो हम काट देते। जब ना कटे तो इनका क्या करेंगे? आपस में गुणा कर लेंगे। 5 का गुणा 3 में करेंगे, 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 × 4 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 15/28 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आज मैंने आपको देखिए इस टाइप के प्रश्न बड़े अच्छे से करा दिए। यदि आपको देखिए इस टाइप का प्रश्न दे दिया जाए तो इसमें देखिए अभी मैंने आपको गुणा वाले घातांकों का नियम, उन्हें सरल कैसे किया जाता है वो बता दिया। अब अगर इसी में देखिए भाग भी है तो ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आप घातांकों का नियम भाग वाला भी क्या करेंगे? सीख लेंगे। तो चलिए इसी वीडियो में उसको भी आपको बता दिया जाए। ये सवाल जो है देखिए घातांकी संख्याओं का भाग के अंतर्गत आता है। अगर इसे आपको सरल करने के लिए बोले, जैसे 5^5 / 5^3 है, आधार आपका क्या है? समान है, तो भाग करने पर अगर आधार समान होता है तो घातें क्या? घट जाती हैं, यानी आपका पावर जो है वह घट जाएगा। तो इसे हम आधार समान है तो यहाँ पर 5 लिखते हैं, और 5 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 5/2 यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। मान लीजिए इस तरह से दिया हो तो इसे भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 5/9^6 / 5/9 कितना है? 4 है। आधार आपका समान है, यहाँ पर भी 5/9 है, यहाँ पर भी 5/9 है, तो इसे आप यहाँ पर लिख लेंगे 5/9। आधार आपका समान था तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं, तो 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 5/9^2 यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ। अब देखिए आपका प्रश्न जो है कुछ अलग तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पर आपका जो आधार है वह असमान है, लेकिन घातें क्या हो गई हैं? समान हो गई हैं।
तो भाग करने पर जब ऐसा कंडीशन आपको दिखाई दे तो यहाँ पर देखिए 8 में क्या 9 से भाग दे रहे हैं, तो इसे आप 8 बटे क्या 9 लिखेंगे। आपका देखिए जो घातांक है वह समान है, पावर 5 है, यहाँ पर भी पावर 5 है, तो इसे 8 बटे 9 का पावर क्या कर देंगे 5 लिख देंगे, तो यही आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। नवा प्रश्न आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3/4 पावर 3 भागे 2/5 पावर क्या है 3 है। तो ऐसे प्रश्न को आप देखिए कुछ इस प्रकार से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 3/4 है तो यहाँ पर आप 3/ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर आपको इसी में भाग देना है तो एक बटे से भाग का चिन्ह बना लेंगे। 2/5 है तो यहाँ पर आप 2/5 लिख लेंगे। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो घातांक है वह समान है, यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो इस पूरे का हम इस तरह से बनाकर पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, यह भी हमारा आंसर सही मान लिया जाएगा। आपने अब देखिए घातांकों का गुणा और भाग बड़े आसानी से सीख लिया, तो आप इस प्रश्न को भी आसानी से क्या सीख पाएंगे, अधिकतर आपसे इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। 6/4 × 6/5 भागे 6/2 है, अगर इस तरह से प्रश्न दिखाई दें तो आप पहले गुणे को ना सॉल्व कर पहले भाग को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6/4 है तो 6/4 लिखेंगे, 6/5 भागे 6/2 है, आधार आपका समान है तो भाग करने पर घाते घट जाएंगे, तो इसे हम लिख लेंगे 6/5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका आधार समान है तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, तो इसे 6/ कितना लिख लेंगे 4 × 3 = 7 हो जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। 10वां प्रश्न है, इसे आप थोड़ा अच्छे तरीके से समझिएगा। 3/4 / 2 3/4 / 6 भागे 3/4 / 5 है, तो इसमें भी सबसे पहले भाग को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3/4 / 2 है तो इसे आप यहीं पर लिख लेंगे, 3/4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3/4 / 6 है भागे 3/4 / 5 है, तो भाग करने पर जो घाते हैं वह क्या हो जाती हैं घट जाती हैं जब आधार आपका समान रहता है। तो यहाँ पर 3/4 है यहाँ पर भी 3/4 है, तो इसे हम लिख लेंगे क्या 3/4 कितना हो जाएगा 6 से 5 घटा लेंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3/4 × 3/4 है, आधार आपका समान है तो गुणा करने पर क्या घातें जुड़ जाती हैं, तो 3/4 कितना हो जाएगा 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही फाइनली आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आज मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ घातांक के नियम और सवाल भी थोड़े अच्छे तगड़े समझा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।